हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आप सभी अच्छे होंगे और मज़े लेकर के आप लोग हमारा वीडियो को भी देख रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, 11th का टॉपिक है और प्लस जी एंड नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? जी के लिए, है ना, और किसके लिए? नीट के लिए। अच्छा जी, एक चीज़ और है, आज सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को कह दिया है कि आप लोग का नीट और जी पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों ने तो इस पूरे थ्योरी के दौरान हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी किए, खूब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। टोटल 12 लेक्चर अब तक हम कर चुके हैं, 12 वीडियो मैंने बनाई है इसकी। अब स्प्रिंग फोर्स में भी मैं समझता हूँ कि ऐसे तो मुझे एक में कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दो करके करेंगे आज 13-14 लेक्चर, ओके। स्प्रिंग फोर्स कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, बिल्कुल, है ना। खत्म मतलब दिमाग से खत्म नहीं, मतलब आ जाए, टॉपिक खत्म हो जाए, ओके। चलो जी, तो हम क्या कर रहे हैं आज, स्प्रिंग फोर्स, है ना। देखो, स्प्रिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है स्प्रिंग हमारा, आपने देखा होगा पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, गाड़ियों के नीचे लगा हुआ रहता है, पहिए के पास हटा हुआ एक स्प्रिंग रहता है, ऊपर नीचे मोटा मोटा स्प्रिंग रहता है। तो स्प्रिंग क्या करता है, आप ध्यान दो, ट्रेन में भी लगा रहता है स्प्रिंग, ऐसे ऐसे करता रहता है दो डब्बे को ज्वाइन की जगह पे, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या है, स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि स्प्रिंग हमारा क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसा होता है, है ना। देखो ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग है, ये है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग स्प्रिंग के, और कैसा रहता है, ऐसे ही स्प्रिंग रहता है। मैं लाना भूल गया स्प्रिंग, वरना आपको दिखा देता कि स्प्रिंग्स कैसे होते हैं, वैसे आपने बहुत बचपन में ऐसे ऐसे जटर के पेन वगैरह पे किया होगा, है ना। तो ये हमारा स्प्रिंग है, जो पिक्चर मैंने यहाँ बना रखी है, एक्चुअली ये पिक्चर स्प्रिंग की है, और इस ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है ना। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो कुछ एक्सटेंशन आ जाता है उसमें, है ना, इलोंगेशन बोलते हैं उसको। और कभी कभी हम दबाते हैं तो क्या हो जाता है उसके अंदर, वो छोटा हो जाता है, मतलब कंप्रेस कर जाता है। तो वो क्या कहलाता है, मान लो कि आपका ये स्प्रिंग है जो अभी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब ऐसे रखा हुआ एज इट इज रखा हुआ है, और इसमें कुछ भी कोई नो फोर्स, है ना, कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। बट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम इसको, बहुत आसान भी है, एक बार आप समझ लोगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो है क्या कि ये जो स्प्रिंग मैंने आपको रखा है, अभी किसी सरकार किसी फोर्स के अंडर एक्शन नहीं है ये, है ना। और ये क्या है, एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, ये मासलेस, इसको हम लोग हमारा क्या, हमारा एक आइडियल कंसिडरेशन क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है, और ये क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है, क्लियर है, है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि स्ट्रिंग लेते थे, हमारा जो स्ट्रिंग होता था उसमें भी क्या करते थे हम लोग, मासलेस ही लेते थे ना, मासलेस स्ट्रिंग होता था, और टेंशन की वैल्यू निकाला करते थे। उसी तरीके से सेम काइंड ऑफ थिंग्स है स्प्रिंग, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, जिसमें हम लोग उसकी बात करेंगे हम लोग, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। चलो तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मैं मान लो कि मैंने एक वॉल लिया और एक स्प्रिंग लगा दिया, इसी स्प्रिंग को लगा दिया समझ लो, और उसको कुछ क्या किया मैंने, कुछ खींच दिया एफ एक्सटर्नल लगा करके, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल लगाया, ये हमारा जो नेचुरल लेंथ था, इससे हम मान लो कि एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा मैंने एक्सपेंशन कर दिया, तो यहां क्या है, मैंने एक्सटेंशन किया, तो ये वाला जो केस है ना वो कहलाता है इलोंगेशन का केस। मैं सब चीजें बहुत आराम आराम से बताना चाहता हूं, ये क्या कहलाता है, इलोंगेशन का केस कहलाता है, ठीक है, है ना। हाँ, तो आपको अरे यार कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया से करेंगे, एकदम आसान आसान करेंगे। देखो तुम्हारे लिए 3-4 मार्कर भी रखा मैंने, है ना। अब देखो, देखते हैं कौन मार्कर काम करता है। अब ये देखो, ये हमारा है, अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या करा, पहले तो मैंने कहा कि भैया वीरू भैया इसको खींच दो, है ना, इसने इलोंगेट कर दिया। फिर जय भाई साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे खींच क्यों रहा है, इसको छोड़ दो यार।
तो इसको उसने छोड़ा, छोड़ा ही नहीं, इसको दबाया भी, मतलब इसको थोड़ा सा इस तरह का कर दिया, है ना, मतलब इस तरह से एफ एक्सटर्नल जो है उल्टा वीरू भाई से लेकर के जय भाई ने हमारे क्या करा कि इसको दबा दिया इस तरीके से, है ना। तो ये जो केस है, मतलब मैंने क्या करा कि ये नेचुरल लेंथ से मैंने एक्स क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, हाथ से लगाया और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। पहले हमारा नेचुरल लेंथ पे था, एज इट इज कुछ नहीं है, किस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरह कुछ काम नहीं कर रहा है, नेचुरल लेंथ है इसका एल नॉट और मासलेस स्प्रिंग है ना। ठीक, अब मैंने क्या करा इसको थोड़ा किया, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं, और इस केस को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है, कंप्रेशन, ठीक है। और एक्स क्या है बच्चों हमारा, एक्स जो है इलोंगेशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन और इलोंगेशन, बोर मत हो ना, अभी बहुत मजा आएगा। कंप्रेशन और इलोंगेशन मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, कहां से मेजर करते हैं हम लोग, मेजर्स फ्रॉम नेचुरल, नेचुरल लेंथ को मैं एन एल लिख रहा हूं, नेचुरल लेंथ, ठीक है जी, मजा आया है ना। देखो इतना, इतनी बातें तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, है ना, बिना बताए हुए भी आप समझ सकते थे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने कभी खींचा तो इलोंग पुल किया तो क्या हो गया, ये इलोंगेट कर गया, इसको मैंने पुश किया मतलब फोर्स उधर लगाया तो क्या किया, दब गया। एक चीज याद रखो कि ये इस पर भी फोर्स लग रहा है, और जब जब इस पर पुल करते तो वॉल भी पुल होता है, तो उतना ही फोर्स इधर भी लगता है ना, ये ध्यान में रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहां आप लगा रहे हो तो ये भी इधर भी एक हमारा फोर्स बराबर बराबर लगता रहता है, ठीक है ना, वॉल पे, वॉल पे फोर्स लग रहा है तो वॉल भी अपनी तरफ उसको कुछ खींच रहा होगा। उस पर बात करते हैं अभी हम कैसे होता है। देखो इसमें फोर्स क्या होता है, मैं समझाता हूं इसमें फोर्स कैसे होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट केस में लेता हूं यहां पे कि मान लो ये वॉल है और मैंने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ा के एक ब्लॉक है जिस पर एफ एक्सटर्नल मैंने लगा दिया, ठीक है, क्या करा मैंने, अच्छा समझो बच्चों, है ना, मजा आ रहा है। देखो बहुत आसान है, एम ब्लॉक है हमारा, एम मास का, जिसको मैंने क्या करा कि ये हमारा नेचुरल लेंथ था एन एल नेचुरल लेंथ, ठीक, उसको एक एक्सटेंशन कर दिया, क्या क्या करा मैंने, एक्स नॉट मान लो, एक्स मान लो कुछ भी मान लो, चले गए यार एक्स नॉट मान लो चलते हैं ना, डेल्टा एक्स मान के भी चल सकते हो, ठीक। यहां तक हमारा क्या था, नेचुरल लेंथ था, मैंने थोड़ा इसको इलोंगेट किया, इलोंगेशन का केस लिया। अब ध्यान दो कि जब भी तुम किसी स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचोगे, याद ध्यान दो, तुमने पेन के स्प्रिंग को जरूर ऐसे खींचा होगा कहीं पकड़ के, या साइकिल के स्टैंड में लगा रहता है वो वाला स्प्रिंग देखा होगा आपने, है ना, तो ऐसी प्रक्रिया आपने अभी करी होगी, आप बच्चे थे तो बहुत किए होंगे। जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो, मान लो किसी पॉइंट पे इसको टच कर, अटैच कर दो, उसके बाद स्प्रिंग को खींचो, किसी वॉल में अटैच करके इसे खींचोगे, जब इसको तुम पुल करोगे ना, तो तुमको फील होगा कि तुमको उसके रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तुमको फील होगा कि तुमको तुम्हारी उल्टे साइड में तुमको एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, फील होता हुआ महसूस होगा, फील होगा क्या फोर्स फील होगा, फील होगा कि तुम्हें कोई इधर की तरफ तुम्हें भी पुल कर रहा है, तुम इधर पुल कर रहे हो तो तुम्हें फील होगा कि ये भी अपने इसकी तरफ, यही फोर्स जो होता है ना, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये कैसे, ये हुक्स लॉ से आता है, ये कैसे आता है, देखो एक चीज और इसमें बहुत अच्छे से समझो कि जितना ज्यादा एक्स करोगे, मतलब जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा पुल करोगे, तुम देखोगे कि उतना ही फोर्स तुमको फील होता चला जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एफ क्या है, एक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने देखा होगा कि फोर्स जो आपको फील होगा, जितना ज्यादा एक्स होगा इधर, उतना ही ज्यादा फोर्स आपको उधर फील होगा, मींस कि एक्स जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा फोर्स। लेकिन क्या हो रहा है, एक चीज और देखो, ये उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है कि इधर आप इधर खींच रहे हो, एक्स इधर करो तो फोर्स उधर लग रहा है, मतलब माइनस एक्स। तो एफ को इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं। ये ही है, ये जो है हमारा, यही हमारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, और इसी को हम लोग हुक्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हुक्स लॉ कहते हैं। ये हमारा हुक्स साहब से आया है, हमारा हुक्स लॉ से,
है ना, हुक्स लॉ से ये हमारा आता है, ठीक है जी। ये है तो इसको नॉर्मली क्या करना, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए ऐसा होता है ना, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली के एक्स आ जाएगा, बस इतना ही याद रखना। डायरेक्शन वेक्शन भूल जाओ, इतना याद रखो एफ इक्वल टू के एक्स, है ना, उल्टी डायरेक्शन में होता है वो मेजरमेंट है, आप बाय डिफॉल्ट आएगा, है ना। बिल्कुल मजा आया नहीं आया क्या, देखो अरे बहुत मजा आएगा, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग पढ़ेंगे, लजीनेस के बारे में समझेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा, प्रॉब्लम करने में ही मजा आएगा। इतना बात बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। अब एक चीज और इसमें हम देखो, एक चीज तो मैंने बता दिया कि आपको फोर्स की वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। अब यहां से इसी चीज को याद रखो कि एफ इसको एफ एस पी इक्वल टू क्या होगा, के एक्स होगा, है ना। आ गया मजा, याद आ गया। तो एफ एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या है हमारा, के एक्स है। हमने के एक्स नॉट लिया था तो तुम एक्स नॉट ले लो, चलो यार एक्स ही कर देते हैं, अब हर जगह कौन चेंज करने जाए, इसको नोट कर जल्दी से। अब क्या है इसमें, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम समझ लें। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, इसी का कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा अब मैंने एक बात बोली, इसका ग्राफ देख लो, अगर आप स्प्रिंग फोर्स और एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये इस तरह से आएगा, रेड से कर दो, देखो इस तरीके से, मतलब एक्स पॉजिटिव तो इधर, एक्स नेगेटिव तो उधर, है ना, इस तरीके से। ये भी नोट कर लो जल्दी से, एफ और एफ, स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच का ये ग्राफ है ना। चलो अब देखिए हम लोग क्या करना है, एक तो ये हो गया। अब देखो क्या है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैंने एक स्प्रिंग लिया है ना, देखो ये एक स्प्रिंग है ना, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, ये ध्यान में रहे, क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा मासलेस स्प्रिंग है ना। इधर मैंने एक और इधर भी मैंने एक मास रख दिया और दोनों को फिक्स मास है, ये फिक्स्ड मास है, इसको मैंने कुछ एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, नेचुरल लेंथ से कुछ एक्सटेंड कर दिया है और फिक्स कर दिया स्प्रिंग को। अब क्या करो, जैसे साइकिल के स्टैंड में रहता है, एक्सटेंड करने के बाद हम लोग फिक्स करते हैं, देखा होगा तुमने, है ना, हम लोग जब छोटे थे तो वैसी साइकिल चलती थी स्प्रिंग वाली, तो फिक्स कर दिया, ये हमारा है, दो मैंने फिक्स किया हुआ है एक्सटेंशन के बाद, मान लो एक्स नॉट भी है यहां पे, एक्स से मैंने एक्स से या जो भी है पूरे इसमें एक्स एक्सपेंशन है, ठीक है। चलो तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ यहां पे कितना फोर्स है और यहां पे कितना फोर्स है, तो बच्चों अगर मान लो यहां पे मैं मानता हूं कि F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, तो एक चीज गांठ बांध लो अपने ब्रेन में, दिमाग में, अपनी कॉपी पे 50 जगह लिखना है तो लिख लो कि F1 जो है ना F2 के बराबर होगा, ठीक है। F1 क्या होगा, F2 के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, सिंस, क्यों होगा, सिंस स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस, ठीक है, क्या हो गया हमारा, मासलेस स्प्रिंग है, इसलिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू सेम होगी एवरीवेयर इन द स्प्रिंग आफ्टर एक्सटेंड, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कैसे, देखो इसको ऐसे तुम समझ सकते हो कि मैंने कहा कि भाई एक स्ट्रिंग है ना, दो मास ब्लॉक मास लगा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये खींच रहा है इधर, ये भी इधर खींच रहा है, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूं कि यहां पर टेंशन कितना, तुम बोलोगे सर टी, आप बता चुके हैं, है ना। मैं पूछूं यहां पर टेंशन क्या है, तो तुम बोलोगे, अगेन तुम बोलोगे, आप ही बोलोगे कि भाई सर ये तो टी होगा सर जी, है ना, तो क्यों होगा, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये स्ट्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है, क्या है हमारा, मासलेस है, इसीलिए एवरीवेयर इन द सेम स्ट्रिंग हमारा टेंशन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, इसको एक मिनट के लिए आप स्ट्रिंग मान लो, मैं पूछूं यहां पर सर टेंशन कितना, तो कहोगे सर टी, मैं पूछूं सर यहां पर टेंशन कितना, तो आप कहोगे टी, तो उसी तरीके से मैं पूछूं कि यहां पर फोर्स कितना, कहोगे के एक्स, यहां पर फोर्स कितना, कहोगे के एक्स, मतलब फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम होगी, है ना, ये याद रखना, सिंस स्प्रिंग इज मासलेस, ये एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को सेम स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट से समझ के याद रखना है ना। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, और भी मजेदार चीज है, मस्त सुपर्ब,
देखो सुपर्ब चीज क्या है कि एक नेचुरल लेंथ का मैंने एक बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझना है बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। मैंने बोला कि भाई साहब ये एक नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, इधर मैंने जय भाई साहब को बिठाया है और इधर मैंने वीरू भाई साहब को बैठाया है, शैतानी आत्मा को, हाँ। अब क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग इधर क्या कर रहा है कि मान लो नेचुरल लेंथ से एक्स वन एक्सटेंड कर गया है, और जब इसने इधर खींचा, ये जय था ये वीरू था, अब वीरू ने भी क्या करा, तुमसे कम तो मैं हूं नहीं, चलो भैया नेचुरल लेंथ से मैं इसको x2 एक्सटेंड कर देता हूं, इलोंगेट कर देता हूं। तो मैं पूछूं, बताओ बच्चों कि इसमें इस तरफ फोर्स की वैल्यू किधर होगी, आप कहोगे सर इधर होगी, इससे पूछेंगे इधर किधर होगी तो बोलोगे इधर होगी, मैं पूछूंगा आप कहोगे इधर कितनी होगी तो आप कहोगे x1 होगी, इधर कितनी होगी तो आप कहोगे कि x2 होगी, बॉस ये नहीं होगी, इस तरीके से नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी वो देख लो, हम जब x या x0 ले रहे थे तो ये टोटल इलोंगेशन है, ये याद रखना, टोटल या नेट इलोंगेशन है, ये हमेशा याद रखना। आप क्या याद रखना है आपको कि जो आप, तो फिर ये क्या होगे वो देख लो। तो अगर मैं पूछूं कि एफ एस पी की वैल्यू क्या होगी तो सर कहोगे के एक्स वन प्लस एक्स टू, मतलब कि के इंटू नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन कितना होगा उसकी वैल्यू लेनी है। समझ में आया एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया कि भाई साहब जय ने एक्स वन खींचा, वीरू ने एक्स टू पुल किया और टोटल इलोंगेशन आपको निकाल लेना है। हमेशा क्या किसको कंसिडर करना है, नेट या टोटल इलोंगेशन, आप या टोटल कंप्रेशन, जो भी है टोटल इलोंगेशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन को आपको क्या करना है बच्चों, लेना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, के एक्स, के से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल एक्स क्या है, टोटल इलोंगेशन इंटू टोटल इलोंगेशन इंटू कंप्रेशन इंटू एक्स हो गया, सॉरी के 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 इंटू, अरे यार के इंटू टोटल इलोंगेशन और कंप्रेशन, है ना। आगे समझ आया, क्लियर 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 क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर, है ना बच्चों, ये याद रखना। ऐसी भूल कभी ना करना कि बोलोगे सर के एक्स वन इधर के एक्स टू इधर, के एक्स वन प्लस के एक्स टू करके आप निकाल दो, उस तरह से नहीं होगा, टोटल इलोंगेशन वो नहीं होगा कि भाई एक्स वन अलग है एक्स टू अलग है तो सबको आप अलग अलग कर दो, ऐसे नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू ये होगी, मतलब टोटल इलोंगेशन होगा, है ना। चलो जी अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट, अभी तक तो मैंने इसमें एक प्रॉब्लम कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलो जी प्रॉब्लम करते हैं, देखो मजा आएगा। देखो ये एक दो ब्लॉक है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका ठीक है, के की वैल्यू, के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसी को स्टिफनेस भी कहते हैं, है ना, किसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी किसकी कम होगी, मोटे की ज्यादा होगी पतले की कम होगी, ये सब होता है, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन पर मीटर, है ना, ऐसे भी देख लो न्यूटन पर मीटर कैसे होगा बॉच, एफ इक्वल टू के एक्स, तो के इक्वल टू एफ बाई एक्स होगा ना, तो न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन पर मीटर, है ना। हाँ, और क्वेश्चन क्या है, सवाल यह है कि फाइंड द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फाइंड एफ एस पी, फाइंड एफ एस पी व्हेन बोथ, क्या बोथ एम वन एम टू ए एंड बी ब्लॉक, ए एंड बी ब्लॉक डिस्प्लेस्ड, लिखते चलो डिस्प्लेस्ड बाय टू मीटर, टू मीटर टू मीटर, मतलब दोनों टू टू मीटर, है ना, टू टू मीटर टू मीटर, जो बोथ ब्लॉक टू हो गया, ठीक है चलो, हाँ बाय टू मीटर हो गया।
अब कैसे बनाएंगे हम? बहुत आसान, कुछ नहीं है। इसके तीन केसेस हो रहे हैं। कैसे कैसे तीन केसेस हो रहे हैं वो देख लो। फर्स्ट केस क्या होगा कि मैं बोलूं कि सर इस ब्लॉक को राइट मूव कर दो 2 मीटर इधर। फर्स्ट केस में क्या करेंगे ध्यान से दो, मैंने इसको 2 मीटर राइट में डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इसको भी मैंने 2 मीटर राइट में डिस्प्लेस कर दिया, या सेम साइड में, मतलब सेम साइड में, यहां इसका मतलब सेम साइड में, या लेफ्ट या राइट जो भी आपको डिस्प्लेस करना है कर सकते हैं, इसको इधर भी 2 मीटर। तो इलोंगेशन कितना हुआ, एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारी, आप एक्स नॉट लिखो, एक्स लिखो, या डेल्टा एक्स भी कहीं कहीं देखोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो एफएसपी क्या हो जाएगा हमारा, 0। समझ में आया कुछ, कि आपको डिस्प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है 2 मीटर, अभी डायरेक्शन नहीं बताया गया, डायरेक्शन बता देता तो एक लाइन में हो जाता, लेकिन अभी मुझे, मेरे पास क्या है कि तीन केसेस आ जाते हैं इस टाइम पे, कि इधर आप डिस्प्लेस कर रहे हो कितना 2 मीटर से, तो इसको भी 2 मीटर से कर रहे हो। अब अगर मैं बोल दूं दूसरा केस कर दूं, कह दूं कि ये जो 2 मीटर है हमारा, इसको मैं 2 मीटर इधर डिस्प्लेस कर दूं, और इसको मैं 2 मीटर इधर डिस्प्लेस कर दूं, देख रहे हो, समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, ब्लॉक यहां था है ना, इसको इधर डिस्प्लेस किया, इसको इधर डिस्प्लेस किया, कितना कितना मीटर, 2-2 मीटर बोला गया है, 2-2 मीटर किया। तो टोटल इलोंगेशन जो है वो हमारा कितना आया, टोटल इलोंगेशन कितना आया बच्चों, 2 मीटर इसका और 2 मीटर प्लस इसका, तो मींस 4 मीटर। तो एफएसपी की वैल्यू क्या होगी, के क्या है, 50 है, इंटू 4 मीटर, तो कितना हो गया 200 न्यूटन है। लेकिन ये केस किसका था बच्चों, इलोंगेशन बोलते हैं इसको, है ना, हमने क्या किया था, इसको इलोंगेट किया था 2 मीटर इधर और 2 मीटर दोनों तरफ। तो जब ये 2-2 मीटर गया तो मैंने, हमारे पास क्या आ गया, 200 न्यूटन आ गया। अब अगर मैं बोलूं बच्चों कि इसको मैं इधर 2 मीटर और इसको इधर 2 मीटर कर दूं, है ना, चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, इसी केस को इलोंगेशन समझ ही गए हो, चलो है ना। अब मैं क्या करता हूं कि अपोजिट, ये तो अपोजिट, अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड ही होगा दोनों में भी, लेकिन इसको मैंने अब कंप्रेशन करके, केस थर्ड में क्या होगा हमारा, कि मैंने बोला कि यहां जो था, अब डायग्राम पर तब ध्यान देना कि सर इसमें 2 मीटर जगह कहां है ना, यहां 2 मीटर और यहां 2 मीटर, ये केस आ गया। तो स्प्रिंग अब कैसा हो गया, एकदम इस तरह से हो गया, है ना, तो यहां हमने क्या किया 2 मीटर कंप्रेस किया, इसको भी 2 मीटर मैंने कंप्रेस किया, तो टोटल कंप्रेशन कितना है हमारे पास, मजा आ रहा होगा, बहुत आसान है, टोटल कंप्रेशन हमारे कितने बच्चों, टोटल कंप्रेशन हमारे पास 2 + 2 = 4 मीटर। तो एफएसपी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 50 × 4, 200 न्यूटन आंसर हो गया। बहुत आसान था, अभी मैंने बताया था कि फोर्स को कैसे आप लोग इलोंगेशन को हम लोग कैसे लेते हैं, हमने कहा था कि फोर्स आप अलग अलग को मत करना, कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग, टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना या टोटल कंप्रेशन कैलकुलेट करना, कैसे मल्टीप्लाई कर देना, आपको स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। चलो जी अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा स्प्रिंग को लटका कर देखते हैं कि क्या होता है। ये तो था हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल केस, कल थोड़ा वर्टिकल में देखें, मान लो आपके पास ये आपके पास स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में एक स्प्रिंग लटका हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा नेचुरल लेंथ, क्या है हमारा बच्चों, नेचुरल लेंथ, क्या है, नेचुरल लेंथ। अब इसमें मैंने एक छोटा सा ब्लॉक लगाया, छोटा क्या मतलब एम मास का एक ब्लॉक लगाया, जाहिर सी बात है ये धीरे 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 नीचे आएगा, हम इसको लाएंगे ही धीरे धीरे, ठीक है, और कंसीडर करेंगे कि इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, नेगलेक्ट ऑसिलेशन, एकदम साफ साफ एक टर्म में लिख दो, नेगलेक्ट ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेशन को मैंने इसमें क्या कर रखा है बच्चों, नेगलेक्ट कर रखा, अचानक से सडनली ऑल ऑफ सडन छोड़ोगे ना तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे, वो थोड़ा वो 2 mg/kg गाना हो जाता है, वो उसको नहीं देखने का, इसको धीरे 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 मैंने लाके
यहां पे छोड़ दिया, छोड़ दिया। और अब ये इक्विलिब्रियम के केस में कहां पे है, ये इक्विलिब्रियम में है। एकदम समझ लो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा फिर से कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम मास का ब्लॉक है और अब ये यहां पे है। इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन, वो हम आप पढ़ेंगे एसएचएम में, जब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे उसको क्या मीन पोजीशन कॉन्सेप्ट है। हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसको आप क्या सोच सकते हो, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये तो एक स्ट्रिंग की तरह है, एक स्ट्रिंग है जो अभी यहां पे है। तो मैं अगर पूछूं कि इधर एम ब्लॉक है तो इधर कितना फोर्स काम करेगा, तब कहोगे एम जी। यहां क्या काम करेगा तो कहोगे टी, तो टी कितना होगा तो कहोगे सर एम जी, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, एम जी, ठीक समझा भैया, एकदम एम जी होगा। इधर क्या होगा बॉस, इस तरह ऊपर की तरफ क्या होगा, आप कहोगे सर इधर तो, इधर तो के एक्स फोर्स लगेगा। जैसे ही स्प्रिंग का जब कंडीशन आएगा तो जाहिर से ऊपर फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा वो के, मान लो ये हमारा यहां से यहां तक का एक्स इलोंगेशन था, तो यहां हो जाएगा के एक्स फोर्स लगेगा। और ये के एक्स पता है किसकी बराबर होगा, इस टी के बराबर होगा। तो टी इज रेफर्ड एज एक्स। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो कि टेंशन इज रेफर्ड एज हेयर, यहां पर इन दिस कंडीशन में, इन दिस छोड़ो ऐसे रख लो, हाँ टेंशन इन दिस कंडीशन टी जो है वो के एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये टी के एक्स क्या होगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मैंने बोला कि सर इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब एफ नेट क्या है हमारा जीरो है। और जब एफ नेट जीरो है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के एक्स इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम जी अपॉन के। तो आपको एक्सप्रेशन एक्सटेंशन निकालने, एक्स का इलोंगेशन की वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो। आ गया समझ में। आपने कहा सर आपने तो सिर्फ एक स्प्रिंग लगा दिया, बना दिया, दिखा दिया, चलो जी समझ में आ गया, तो मैं बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है, समझ लो कॉन्सेप्ट, लिख लेना कि यहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ नेट जीरो होता है, और एफ नेट अगर जीरो होता है बच्चों तो के एक्स इक्वल टू एम जी हो गया, और एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन के होता है। अगर मैंने इसको अचानक छोड़ा होता तो उसकी वैल्यू कुछ और होती, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने बोल दिया है कि नेगलेक्ट ऑसिलेशन को नेगलेक्ट करना है, और उसको धीरे 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 लाकर रख देना है, मान लेना है कि यहां पर कोई ऑसिलेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है, जिस तरह से रस्सी के स्ट्रिंग के साथ रहता है उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि सर मैंने एक स्प्रिंग यहां लगाया, एक स्प्रिंग यहां लगाया, एक स्प्रिंग यहां लगाया, और एक मैंने एम लगा दिया, ठीक। स्प्रिंग का कंसिडरेशन हमारा क्या है, मासलेस का है। मैंने बोला कि सर यहां पर के वन है, ये K2 है और ये K3 है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, K1 X1 होगा, यहां K2 X2 होगा, होगा ना, यहां K3 X3 होगा। अब मैंने अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किसकी किसकी तरह, स्ट्रिंग की तरह, तो यहां क्या होगा mg, यहां क्या होगा t, यहां भी क्या होगा t, यहां भी क्या होगा t, यहां क्या होगा, मतलब एक ही स्ट्रिंग मान रहे हैं, मासलेस है दोनों, तो हर जगह क्या वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अब इसको क्या लिख सकते हो कि K1 X1 इक्वल टू K2 X2 इक्वल टू K3 X3, और इस टोटल के इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेंशन T। आगे मतलब यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां भी पूरे में तो टेंशन टी है, क्यों उसी यहां पर के वन के टू के थ्री के वन के टू, ये टेंशन के बराबर हो गया, ठीक है। चलो जी, है ना। अब देखो यहां देखते हैं, अभी मैं बोलूं कि इसमें टेंशन की वैल्यू, छोड़ो अभी नया क्वेश्चन लेते हम,
क्वेश्चन लेता हूं मैं इस तरीके से। देखो ये 2 kg, ये 4 kg। अब कोई पूछे क्वेश्चन में कि बच्चों बताओ कि इसमें ये जो टी है उसकी वैल्यू क्या होगी, टेंशन की वैल्यू क्या होगी। अभी ये कंडीशन किस में है, इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम में है तो हम इसमें क्या क्या एबीडी क्या कर सकते हैं, 2g, ठीक है जी, 2g। तो ये इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट जीरो होगा, है ना, क्या होगा एफ नेट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जब एफ नेट जीरो होगा तो 2g, इसको 2g के बराबर होना होगा। अगर ये 2g के बराबर नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये टूट जाएगा या फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर ये 2g है तो यहां भी क्या होगा, उल्टा 2g लगेगा कि लगेगा। अरे बच्चों यही तो कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर दो स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां टी तो यहां टी, अब स्प्रिंग लगा दो इसको, बात बराबर है ना। हाँ समझ गया, चलो तो ये हो गया हमारा क्या, 2g हो गया। अच्छा ये तो हो गया इसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। ये 2g की वैल्यू क्या है, kx के बराबर होती है ना, समझ लेना आप लोग कि ये इक्वल टू kx के बराबर है 2g, ये भी 2g kx के बराबर है। यहां तो ये हो गया इसकी वजह, स्प्रिंग की वजह से, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स था जिसकी वजह से 2g आ गया। लेकिन ये 4g भी तो लग रहा होगा, है ना। अगर ये फिर हम बात करते हैं कि क्या है हमारा एफ नेट जीरो है और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो टी की वैल्यू जो होगी वो होगी 4g प्लस 2g, मींस टी की वैल्यू होगी 6g। आ गया है ना, आया मजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया आ गया। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया जी, देखो ये भी समझ गया, वो भी समझ गए, बहुत सारी चीज समझ गए। अब मैं आपको टेन केजी का ये मास है, ठीक है, ये ऐसे लटका हुआ है इक्विलिब्रियम में, एकदम याद रखना। ये देखो ये भी 10 kg और ये भी, बच्चों हमारे ये हमारा 10 kg। अब ये पूछ रहा है इस सवाल में है कि अगर ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है तो बोला टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ मुझे। स्क्रीन पॉज करो, एक बार कोशिश करो, चीटिंग मत, क्या हुआ ये। तो टी ए की वैल्यू क्या होगी, 10g, एंड टी बी की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो 10g, तो टी अपॉन 10g क्या होगा, 10g अपॉन 10g इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब टी ए अपॉन टी बी का रेशियो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। आप देखो ये हो गया, इसको फटाफट चलो एक चीज और देखो। स्प्रिंग आसान है यार, बस थोड़ा सा याद रखना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में कंफ्यूजन होता है, वहां वो हम बताएंगे आपको और अच्छे से, बहुत सारे प्रॉब्लम करा देंगे ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल खत्म रहे, है ना। देखो आज जितना हो सकता आज करते हैं, नेक्स्ट क्लास से भी कर लेंगे, 2 क्लास में खत्म कर देंगे स्प्रिंग को। अब देखो एक हमारे पास एडवुड मशीन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये है 2m मास है और ये हमारा m मास। मान लो ये a है पुल्ली और दूसरा हमारा दिया हुआ है ऐसा, ये मास 4m है और ये मास 2m है। पूछ रहा है कि x1 और x2 का रेशियो निकालो, x1 अपॉन x2 का रेशियो निकालो। व्हाट, मान लेते हैं कि इसमें x1 है और
x2 है तो यहां k1 होगा और यहां ये k1 मान लो, ये क्या होगा k2 होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि आपके पास दो दो एटवुड मशीन टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से निकाल लो, इसमें टेंशन mg करके निकालो, टेंशन की वैल्यू निकालो, फिर आपको एक्सेलेरेशन निकालो फिर x1 निकालो, जो सब कुछ करना है आप कुछ भी कर सकते हो जो मैंने पहले करा है ना। ऐसे भी कर सकते हो, तो यहां टेंशन t लगेगा तो यहां mg लगेगा नीचे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए कर दोगे, और फिर यहां भी करोगे टू एम जी माइनस के एक्स अपॉन एम ए, तो उससे आपको वैल्यू तो निकल जाएगी है ना। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है, हम बहुत इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आपको याद होगा एटवुड मशीन में टेंशन की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, कैसे निकालते थे हम लोग, टी इक्वल टू, इसके लिए पहले देख लेते हैं हम लोग, फॉर ए टी इक्वल टू क्या होगा, टेंशन की वैल्यू 2m1 m2 होती थी अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता था, शायद याद होगा आपको है ना। और ये जो टेंशन है, ये टेंशन पूरे स्ट्रिंग में घूम रहा होगा है ना, और ये जो पूरा स्प्रिंग घूम रहा होगा वही kx के बराबर भी होगा, k1 x1। तो देखो ये वैल्यू क्या होगी, ये k1 और x1 के बराबर हो। ये टेंशन जो है, देखो अभी तो हम बात ही कर रहे थे ना, टी यहां है ना, और यहां भी लगेगा टी। इस स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन होगा, जो एलोंगेशन होगा, जो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स होगा, k1 x1 होगा, और वो क्या किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये हो गया। तो अब मैं इसको कैसे कर लूं, इसको करूं 2m1 m1 की वैल्यू क्या है, m है, m2 की वैल्यू क्या है, 2m है, अपॉन क्या है m प्लस 2m 3m हो जाएगा, m ने m को मार डाला है ना, तो 4m अपॉन 3 आ गया, इंटू जी होता है इंटू जी, 4 अपॉन 3 mg हो गया, सही है ना, देख लो 2 हो गया 4/3। अब देखो ये हो गया, फॉर b के लिए क्या होगा बच्चों, फॉर b के लिए भी वही करेंगे हम लोग, 2m1 m2 2m इंटू 4m अपॉन कितना, 2m प्लस 4m 6m हो जाएगा, m ने m को मार डाला है ना, तो कितना हो गया, 4 × 8 = 16/6 8/3, तो इंटू जी, तो 8/3 इंटू एम जी है ना, ये आपके पास आ गया। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये k2 x2 के बराबर होगा, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास x1 अपॉन x2 है, तो हम एक काम करते हैं, k1 x1 अपॉन k2 x2 लिख देते हैं। जब k1 अपॉन k2 x2 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, देख लो यार बहुत आसान है ना, कितना आसान है यार है ना, देखो क्या आएगा आपका, 4m g अपॉन 3 इंटू उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 8mg, ऐसे होगा ना रेशियो, देख लो यार क्या तो है, करना क्या है इसमें, 4mg अपॉन 3 और 8mg अपॉन 3, तो 8mg अपॉन 3, 3 ने 3 को मार डाला, mg ने mg को मार डाला, 4 × 8, मतलब क्या हो गया कि आपके पास x1 और x2 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, k1 x1 और k2 x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाँ ये आ गई, देखो तो k1 अपॉन k2 x1 x2 इक्वल टू 1/2। तो x1 अपॉन x2 क्या करोगे, k2 अपॉन, देखो यहां पे चलो x1 अपॉन x2 क्या करोगे, ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये नीचे चलाएगा, तो k2 अपॉन 2k1, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रहिए है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से रेशियो आपको निकाल करके बनाना है, ये प्रॉब्लम आया हुआ है किसी कॉम्पिटिशन, नीट पे शायद आया हुआ है, नीट मतलब AIPMT होता था हमारे जमाने में, CBSE PMT होता था, ठीक है। चलो जी अब एक प्रॉब्लम और बना लेते हैं, देखते हैं।
ये वी आउटपुट मशीन की तरह है ना। क्या है ये, लो 2 kg ले लो, उसको 4 kg ले लो, है ना। और ये पूछ रहा है कि इसमें एक्सपेंशन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। सिंपल है एकदम। यहां कितना टेंशन टी, यहां कितना टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग में दोनों बंधा हुआ है। देखो उसको कई तरीके से कर सकते हैं। फिर मैंने वही कहा, आप इसको, ये 4 kg है तो ये एक्सीलरेशन इधर होगा, ये एक्सीलरेशन इधर होगा, और आप इससे क्या करोगे, टी की वैल्यू आप निकाल लोगे बहुत आसानी से। एक्सपेंशन की वैल्यू भी निकल सकती है, बहुत ही आसान है, जो मैंने पहले भी किया यार। क्या किया था मैंने कि टी माइनस एम 2g इक्वल टू 2 into a, और यहां देखोगे तो क्या आएगा, 4g माइनस टी अपॉन 4a, दोनों को जोड़ दो, टी ने टी को मार डाला, और 2 to 6g इक्वल टू 6g आएगा, देख लो जोड़ लो क्या होगा, माइनस 2g है ना, माइनस 2g प्लस 4g कितना आ जाएगा, 2g आएगा ना, हाँ 2g, और यहां हमारे पास 6a, तो a बराबर क्या होगा, 2 + 6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g अपॉन 3। इस तरीके से एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या है तो आप निकाल सकते हो इसमें। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू व्हाट, है ना। देखो बहुत आसान, इसको रिप्लेस कर दो किसी चीज से, स्ट्रिंग से। मान लेते हैं एक मिनट के लिए, मैं रेड से यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, कि मान लो कि ये जो, ये तो यहां पे मान लो, ये मान लो स्प्रिंग स्ट्रिंग था, मतलब यहां जुड़ा हुआ था स्ट्रिंग था, इसके पैरेलल में हल्का हल्का, मान लो ये स्ट्रिंग था, तो क्या होता, क्या होता, ये टी तो ये क्या होता, 2t हो जाता। और 2t ही क्या होता है, इसका kx नॉट होता, यही तो होता ना, और तो कुछ नहीं होता। इससे आपको x नॉट निकल जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या चीज है, सिर्फ टेंशन की वैल्यू आपको क्रिएट करनी है, निकालनी है। यहां से आपने अगर g/3 निकाला तो क्या आप यहां से टेंशन नहीं निकाल सकते, t - 2g तो इक्वल टू 2 into a इक्वल टू g/3, तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हो। टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, 2t से मल्टीप्लाई 2 into जो वैल्यू आएगी टेंशन की, वो करो kx नॉट से इक्वल करो, x नॉट की वैल्यू k के टर्म में आ जाएगी, बीजी है। लेकिन हम, मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला टेंशन का है, क्या है, 2 into m1 m2 2 into 4 into g अपॉन 6, 2 + 4 हो जाएगा, नीचे m1 + m2 होता है हमारे पास, एडमिट मशीन का सीधा सीधी रेडीमेड फॉर्मूला याद है, निकाल दिया मैंने, क्या किया भाई, 2 + 6 = 8/3 × 10 तो 80/3 N। यह आ गया आपके पास टेंशन की वैल्यू। अब 2t है, 2t तो 2 × t, टी की वैल्यू 80 × 3, यहां से आया मैंने उठा के यहां ले आया, इक्वल टू kx नॉट। अच्छा मान लो k की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू 100 N/m दे दी गई है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग मान लिया के 100 × x0, ठीक है, तो हो गया। देखो तो 160/3 इक्वल टू 100 × x0, है ना, तो 160/3 × 100, इससे इसको आपने कट कर दिया, तो 16/30 जी वगैरह तो नहीं है, जी तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है जी, क्या आया, 16/30 इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये देख लीजिए 16/30, इजी था। अब यहां से भी कर सकते थे, ये वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे डायरेक्टली, ए की वैल्यू डालो इसमें t - 2g 2 × 10 कर देते हम डायरेक्टली, और 2 × g/3 तो 10/3 आया, तो 20/3, है ना, इधर ले जाओगे इधर तो प्लस में आ जाएगा 20, चलो मल्टीप्लाई करो 3, तो 3 20 + 60 तो 80/3 वही आया ना टेंशन की वैल्यू, देख लो टी की वैल्यू 80/3 आया। तो ऐसे भी कर सकते थे। अब ई इसकी वैल्यू यहां उठाकर डाल दो, kx नॉट में इसकी शेष निकाल सकते हैं हम लोग।
तो जैसे चाहो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, अब यही बोल रहा है कि भाई सर यही तो रीडिंग है ना, इसी को रीडिंग मान लो, के एक्स नॉट को रीडिंग मान लो, इसका रीडिंग इतना ही आ रहा है, बैलेंस अगर मान लो कि ये बैलेंस है तो ठीक है। हाँ समझ में आया, मजा आया। अब कॉन्सेप्ट आता है बॉस इसमें एक कटिंग का, लेजीनेस जिसको बोलते हैं कि चलो जी मैं एक प्रॉब्लम करके और दिखाता हूं इसमें, तो फिर शायद आपको समझ में आ जाए। टू केजी और वन केजी, ये दो मास रखा हुआ है, ये स्प्रिंग है, और मैंने यहां पर सिंपल सेम क्वेश्चन एक स्ट्रिंग में लिया है। वन केजी टू केजी, हाँ यहां से कॉन्सेप्ट समझाना मुझे आपको है ना। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक जस्ट आफ्टर लिविंग, मतलब जैसे ही आप 1 केजी ब्लॉक को यहां से ड्रॉप कर देते हो, आफ्टर ड्रॉपिंग द 1 केजी ब्लॉक कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है कि देखो स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग ऑल ऑफ सडन कभी भी जीरो पे नहीं जाता है, या इसका फोर्स कभी जीरो, या इसका लेंथ अचानक से चेंज नहीं होता है, क्योंकि सेंस ये थोड़ा आलसी होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा आलसी होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लेजीनेस भी कहते हैं। स्प्रिंग थोड़ा आलसी होता है मेरी तरह है ना, एक एक हफ्ते के गैप पे वीडियो बनाने का। तो क्या होता है कि देखो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका क्या निकालोगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखो कि हो क्या रहा है। यहां क्या हो रहा है कि एक्स नॉट हो रहा है, मान लो कि एक्स नॉट ही मान के चलते हैं, और यहां टोटल क्या आ रहा है, 3G आ रहा है ना, यही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये 3G के बराबर ही यहां 3G आ रहा होगा बिफोर ड्रॉपिंग दिस 1 केजी ब्लॉक, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको अब ब्लॉक को हटाओगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये जस्ट आफ्टर मतलब एट टी बराबर जीरो समझ लो कि एट जस्ट टी लगभग इक्वल टू जीरो टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ड्रॉपिंग 1 केजी ब्लॉक, 1 केजी ब्लॉक, देन ए बराबर व्हाट, ए बराबर 2 केजी, इक्वल टू 2 केजी का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू ए ऑफ 2 केजी ब्लॉक इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे अब, तो मैंने तो एक चीज तो कर लिया कि 3G का 4 इसमें आ रहा है, जैसे ही इसको मैं ड्रॉप करता हूं तो बनाते हैं आफ्टर रिमूविंग या ड्रॉपिंग जो भी लिखो, आफ्टर रिमूविंग 1 केजी ब्लॉक जस्ट आफ्टर जस्ट लगभग इक्वल टू जीरो एट 1 केजी ब्लॉक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता क्या है बच्चों, एक चीज यहां पर कॉन्सेप्ट समझाना मैं चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे ही इसको आप 1 केजी का ब्लॉक को ड्रॉप करोगे तो ये बहुत जल्दी अपना लेंथ चेंज नहीं करता है, और अगर ये लेंथ चेंज नहीं करेगा तो ये जो फोर्स की वैल्यू है स्प्रिंग फोर्स, ये हमारा FSP है ना, एक्चुअली तो FSP है, KX की वैल्यू, KX नॉट की वैल्यू है ये, है ना ये वाली। तो ये जो FSP KX नॉट है ये ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं होगा, बाद में लेंथ चेंज होगा तो ये चेंज होगा, लेकिन ये बहुत थोड़ा आलसी होता है, ये लेजी होता है, इसीलिए ये तुरंत चेंज नहीं होता है। तो एट टी बराबर लगभग इक्वल टू जीरो पर यह चेंज नहीं होगा, जस्ट आफ्टर का मतलब होता है 0.00000001 सेकंड के आसपास का टाइम, और उस टाइम में स्प्रिंग अपना लेंथ चेंज नहीं करेगा। अगर स्प्रिंग अपना लेंथ चेंज नहीं करेगा तो इस 3G की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। मतलब एट ए इंस्टेंटली, मतलब द स्प्रिंग फोर्स नेवर चेंज इंस्टेंटली,
क्या होता है हमारा, चेंज इन स्प्रिंग फोर्स नेवर इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटली नहीं होता, लेकिन टेंशन में जैसे ही ड्रॉप 1 kg करोगे टेंशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है. क्या होता है हमारा, इंस्टेंटली टेंशन फोर्स चेंज हो जाता है ना. जल्दी से इस वाले प्रॉब्लम को लिखो पहले. एक पॉइंट लिख लो है ना, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक टेंशन चेंजेस instantaneously. क्या हुआ, बट स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है अब इसलिए मैं बोल भी रहा हूं जोर से, इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या हो गया कि टेंशन फोर्स इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा बट स्प्रिंग फोर्स यहां पर इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा. और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लेजीनेस कहलाती है ना. ये लेजी होता है, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग अपनी स्थिति को जस्ट आफ्टर कटिंग और चेंजिंग कुछ भी ये चेंज नहीं करता अपने आप को, इसका फोर्स जल्दी चेंज नहीं होता. मतलब जब ये तब तक चेंज नहीं होगा बच्चों जब तक इसके लेंथ में चेंज नहीं होगा, और लेंथ में चेंज डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के थोड़ा सा टाइम लगता है. तो टी वाला 1 second 2 second 3 second जो भी सेकंड लगे मतलब उसको टाइम लगेगा. तो हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग दिस ब्लॉक व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा. तो इस कंडीशन में इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो a बराबर 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हटेगा टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ये जहां पे था वहीं का वहीं रह जाएगा, 2 kg अपने आप को अकोमोडेट कर लेगा. लेकिन इस कंडीशन में वैसा नहीं होगा. जब इस कंडीशन में वैसा नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग. तो हम क्या करते हैं कि अब आ जाते हैं 2 kg के ब्लॉक पर, हम FBD ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, तो हमारा क्या होगा 2G नीचे होगा, और ऊपर क्या जो KX नॉट है वो क्या है 3G ही होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जस्ट आफ्टर टी लगभग टी इक्वल टू 0 पे हमारा चेंज नहीं होगा. तो हमारे पास 3G और एक्सेलरेशन क्या होगा ऊपर की तरफ होना चाहिए a, है ना, 3G ज्यादा है, -2G इक्वल टू 2 into a, तो a इक्वल टू 30 - 20 अपॉन 2 तो क्या हो गया 5 m/s² आ गया a बराबर, समझ में आया, a 2 kg के ब्लॉक पर फर्स्ट कंडीशन के लिए है ना. दूसरे कंडीशन में क्या होगा, a बराबर 0 हो जाएगा, ये a 2 kg के लिए 0 हो जाएगा, एक्सेस चेंज नहीं आएगा इसमें, समझ में आया, ये हल्का सा मूव करेगा है ना, समझ किस एक्सेलरेशन से करेगा, इस एक्सेलरेशन से करेगा. क्लियर है, मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा होगा. यही पर आ जाता है कहानी किसका, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझना है ना. तो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कटिंग ऑफ द, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट किया लेजीनेस, अब उसी कॉन्सेप्ट हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ये मैं आज एक ही क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद फिर क्या करूंगा मैं, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बहुत अच्छे से और मतलब ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को और समझ लेंगे. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिर्फ आपके होमवर्क या समझ लीजिए कि आपको सोचने के लिए मैं ये करके दे रहा हूँ कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ a and b जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्प्रिंग. यहां से अगर कट कर दो तो तुरंत इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या a और b का एक्सेलरेशन निकालना है ना.
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ना। देखो क्या करेंगे हम लोग बच्चों कि इसका ये अभी इक्विलिब्रियम है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अभी मैं स्ट्रिंग काट रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन स्ट्रिंग काट के करेंगे, फिर बाद में इसका भी कॉन्सेप्ट होंगे कि अगर मैं इसको काट दूं तो क्या होगा, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, ठीक है। आज के लास्ट के आज की क्लास के लिए तैयार, कल इस पर नेक्स्ट बात करें। अब इसका एफबीडी करो, इसका एफबीडी क्या होगा, एमजी। इसका एमजी तो जाहिर सी बात है इधर के एक्स नॉट लगना चाहिए, एक्स नॉट अगर हमारा हमने माना है कि अगर ये एक्स नॉट है या एक्स जो भी है तो ठीक है, क्या होगा मैंने एक्स नॉट ले लिया, तो ये एक्स नॉट किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। तो यहां भी वो एमजी लग रहा होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने बोला, अगर ये टेंशन टी, अगर मान लो ये टी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको स्ट्रिंग करो, एम जी यहां टी यहां भी टी, तो के एक्स नॉट एम जी और एम जी है ना, और इसका अलग से क्या होगा एम जी, तो इसकी टी की वैल्यू क्या होगी 2mg, क्यों बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा एम जी बराबर एम जी होना चाहिए, यहां एम जी और एम जी 2mg, तो टी इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2mg होनी चाहिए, तो टी बराबर 2mg, यहां से टेंशन तो निकल गया। अब होगा क्या, एक्सप्रेशन निकालना है हमको, जैसे ही आप इसको काटोगे, जैसे इसको आप कट करोगे है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग इसको कट कर रहे हैं है ना, जैसे ही मैं इसको कट करता हूं एकदम जस्ट आफ्टर कटिंग, तो मैंने कहा कि देयर इज नो इंस्टेंट चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स, तो लिख दो एक पॉइंट यहां पर, मैं लिख देता हूं देयर इज नो इंस्टेंट चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये याद हो गया आपको कि इंस्टेंट चेंज हमारा इसके अंदर नहीं होगा। अगर इंस्टेंट चेंज नहीं होगा तो करते हैं फिर बात आफ्टर कटिंग, अभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैंने सब कुछ लिख दिया, अब हम कटिंग के बात करते हैं। तो यहां देखते हैं पहले बी पे, चलो बी का एफबीडी ड्रॉ करो, बहुत आपको आता है अच्छे से एम जी, और इधर क्या लग रहा है एम जी लग रहा है। अब अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो है, एफ नेट अगर जीरो है बच्चों, आपको पता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, जाहिर सी बात है, मतलब इसमें अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट आफ्टर कटिंग, बाद की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब दो मिनट के बाद पूछोगे सर क्या हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना। यहां कितना होना चाहिए ये देखते हैं, अब चलो उस पर आ जाओ, ऊपर कितना फोर्स, मैंने बोला कि टेंशन में अचानक चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ सडन चेंज होता है, इंस्टेंटली टेंशन चेंज हो जाता है, तो ये जो वैल्यू है टी की वो जीरो है, यहां टी की वैल्यू जीरो हो गई है ना, जैसे ही इसको कट किया खत्म कहानी, इंस्टेंटली चेंज होगा कट करने पर, मतलब वहां कोई फोर्स नहीं रहेगा, लेकिन लेकिन मैंने कहा था कि देयर इज नो चेंज, मतलब 2mg नीचे आपकी तरफ काम करता रह जाएगा, कौन सा के एक्स नॉट है ना, एमजी और एमजी, एक एमजी इसकी वजह से और एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से, अगर ये स्प्रिंग फोर्स चेंज होता तो चेंज हो सकता था, लेकिन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो एमजी प्लस एमजी 2mg ऑटोमेटिकली रह जाएगा। तो हम यहां पर एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, 2mg इक्वल टू माइनस जीरो होना चाहिए नीचे आने पर, और एम ए, एम से एम, तो ए इक्वल टू 2g, देखो आ गया, मतलब क्या हो गया कि ये ए ए ब्लॉक का, ए ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2g आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई mg आ गई, जीरो आ गई, इसकी जीरो और इसकी 2g, आए समझ में, बहुत बढ़िया। इस पर बहुत ढेर सारे और प्रॉब्लम बनेंगे कटिंग वाले प्रॉब्लम पर, बोलो तो मैं बताऊं, लेकिन तुम्हारा भी टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से करेंगे, और भी प्रॉब्लम करेंगे सिर्फ, और कुछ थोड़ा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच गए हैं तो दो एक दो वो उस पर बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो तो सब कहते हैं इसलिए मैं भी कहता हूँ, अगर अच्छा लगता हो तो, क्योंकि ये सुपर कॉन्सेप्ट है,
सुपर कॉन्सेप्ट को बनाना चाहिए। ठीक है, ओके बाय।